हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है, यानी कि 1.2 जो लिस्ट है वो आ चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस लिस्ट के कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि कितनी सीट्स रिजर्व हुई है, यानी कि कितनी के अगेंस्ट एडमिशन हो गया, कितनी बच गई, क्या कट ऑफ रही है अब, और अब जो थर्ड लिस्ट आएगी 1.3 उसमें क्या कट ऑफ जा सकती है, उसके बाद 1.4 में क्या कट ऑफ जा सकती है, कौन सी कोर्स के अंदर सीट्स आखिरी राउंड तक खाली रहने के चांसेस हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिजिक्स से ही बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है फिजिक्स में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वो है 50। तो 50 का ये मतलब है कि जनरल की जो सीट है वो लगभग 21 के आसपास सीट है, 20 से 21 सीट है, वो एक बार आप चेक कर लेना। तो अभी मैं यहाँ जनरल की देख लेता हूँ कि अनरिजर्व जो कैटेगरी है जो जनरल में गई है उसकी सीटें कितनी अभी हैं। हम तो यहाँ पर अब जो उसके अगेंस्ट एडमिशन की लिस्ट आउट हुई है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यानी कि 6 के आसपास सीटों पर फी सबमिट हुई है, और 6 या 7 मान लो आप, और उसके अलावा सारी सीट खाली रही है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जो शुरू में यानी कि पहली लिस्ट में जो उन बच्चों के नाम थे वो सारे 200 प्लस वाले थे, वो थे जिन्हें या तो HCU जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, JNU जाना है, BHU वाले बच्चे थे। अब ये जो जनरल की लिस्ट आई है या अनरिजर्व कैटेगरी की, कई बच्चे नाराज़ हो जाते हैं मैं जनरल बोलता हूं, तो अनरिजर्व मान लो, अनरिजर्व में हर कोई आ सकता है ना, नाराज मत होना। तो सुनो अब मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि अब इसमें 13 जो नाम आए यानी कि 13 सीटें खाली हैं, और मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि जिन 6 बच्चों ने अपना एडमिशन कंफर्म किया है वो फॉर द सेफ्टी पर्पस है, वो आगे जाके कहीं ना कहीं खाली होती आपको दिखेंगी। तो ये जो लिस्ट है 1.4 भी निकलेगी वो एडमिशन सिर्फ सेफ्टी के लिए रखे गए हैं, वो आगे जाके खाली होगी, ये डैम श्योर है। तो अभी इसमें भी अनरिजर्व में जो कट ऑफ है वो 201 दिखा रहा है, जो कि स्टिल वेरी हाई है ना, स्टिल इट इज़ वेरी हाई। तो ये थर्ड लिस्ट की तरफ भी आएगा, और थर्ड लिस्ट में जब ये पहुंचेगी ये मेरिट लिस्ट, तो ये करीबन 185 के आसपास तक पहुंचेगी, 185 तक ये पहुंचेगी। इसमें से भी 4-5 एडमिशन होंगे, वो भी फॉर सेफ्टी पर्पज़ होंगे, जो आगे जाके कहीं ना कहीं खाली हो जाएंगे। तो यानी कि ये मान के चलना कि 1.4 या फिर पंजाब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की तरफ ज़रूर जाएगा, अगर मैं फिजिक्स के लिए बात करूं। तो ये तो बात हो गई अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। अब मैं बात कर लेता हूं ओबीसी की। तो ओबीसी की जो सीट होंगी, अगर सीटें यहां पर हैं फिजिक्स की 50, तो ओबीसी की सीटें कम से कम होनी चाहिए 13। मैं 13 में से देख लेता हूं कितनी फिल हो गई हैं। तो अभी यहां पर जो हमें नाम दिखाई दे रहे हैं मेरिट लिस्ट में वो कौन कौन से हैं, कितने नाम हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 यानी कि ओबीसी में एक भी एडमिशन नहीं हुआ, लगभग सारी सीटें खाली हैं, ओबीसी एडमिशन नहीं है, लगभग खाली है, हो सकता है 1-2 सीटें ज़्यादा हो, किसी ने कंफर्म कराया हो, पर ओबीसी की ऑलमोस्ट सीटें खाली हैं। तो ऑलमोस्ट सीटें खाली हैं, तो यहाँ पर भी मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर एडमिशन लेंगे, यानी कि ये जो नाम है ये एडमिशन लेंगे, हो सकता है इनमें से 4-5 एडमिशन ले। तो जो 1.3 लिस्ट आएगी ओबीसी की, मैंने जनरल के लिए बोला कि जो 1.3 लिस्ट आएगी जनरल की उसमें 185 तक आ जाएगा, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ अभी। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में ये 183 अभी है, ये ओबीसी में ये नीचे उतरेगा और ओबीसी में ये पहुंच जाएगा 172 तक, 172 के थोड़ा नीचे 168 तक ये पहुंच जाएगा ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो सीटें दिखाई दे रही हैं वो दिखाई दे रही है 1, 2, 3, 4, कुल में 4 सीटें दिखाई दे रही हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर, और मेरे हिसाब से सीट ईडब्ल्यूएस की करीबन 7 या 8 के आसपास होगी, है ना, 7, 8 या 5 भी हो सकती है। तो EWS में 2-3 सीटें यहाँ पर फिल हुई है। तो EWS में मैं अगर मैं ये मान लेता हूँ कि 2 बच्चे यहाँ पर भी अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं, तो 1.3 में EWS जो है वो करीबन 175 के आसपास आएगा, 175 या 172 के आसपास आएगा। OBC 168 तक पहुँच जाएगा, EWS 187 है नहीं 180 तक पहुँचेगा, EWS 180 या 178 के आसपास पहुँचेगा। फिर अगर मैं बात कर लूँ ST की या SC की, सबसे पहले SC की बात कर लूँ, SC में 8 या 9 सीट होंगी, तो उनमें से अभी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 2 से 3 एडमिशन बुक हुए हैं जो कि कैंसिल होंगे, क्योंकि हाई मार्क्स वाले थे वो बच्चे, वो कैंसिल होंगे, वो जा रहे होंगे या तो DU या BHU, वहाँ जा रहे होंगे वो बच्चे।
तो अब इनमें से भी कई सीट खाली रहेंगी, या ये एडमिशन बुक करेंगे तो इसको छोड़ेंगे यहाँ पर भी, है ना। तो ये एससी की जब 1.3 में आएगी, तो 1.3 में एससी का जो कट ऑफ है वो 115 या 110 के आसपास पहुंच जाएगा एससी का। और सेम कहानी एसटी की होगी, एसटी में एससी के कंपैरिजन में हाई है, तो एसटी भी 115 या 120, 115 तक पहुंच जाएगा एसटी, या उसके भी एक दो नंबर नीचे आ सकता है। तो ये 1.3 की तुम्हारे हालात रहने वाले होंगे। अभी जो भी एडमिशन बुक हुए होंगे, एम श्योर वो आगे जाके कैंसिल होंगे। और यहाँ पर भी जो जनरल में आपको एडमिशन दिखाई दे रहे हैं जो बुक होंगे, एम श्योर ये भी आगे जाके कैंसिल होंगे। मतलब बुक होने का मतलब है 5-6 एडमिशन जो भी यहाँ पर कंफर्म करेंगे वो आगे जाके कैंसिल करेंगे ही करेंगे, तय है ये कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो 1.3 में तुम्हें इन बच्चों के ये कम दिखाई देंगे, पर 1.4 में तुम्हें और कम दिखाई देंगे, पर एकदम से आएगा कि सेकेंड राउंड चालू हो रहा है। क्यों चालू हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी, फिजिक्स की। अब मैं एक बार कंप्यूटेशनल फिजिक्स का और बता देता हूँ तुम्हें। तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स में जो टोटल सीट्स हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स की, वो है 20। तो 20 में से जनरल के करीबन पड़ेगी 7 या 8 सीट पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर सारी खाली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 लगभग सारी सीट खाली हैं अनरिजर्व में। तो यहाँ पर भी अगर ये सीटें बुक होती हैं 2 से 4 होंगी, और नीचे आएगा। अब ये और नीचे कितना आएगा, ये अनरिजर्व 164 तक तो आ ही चुका है ऑलरेडी, ये और नीचे आकर ये 150 तक पहुँच, ये 150 तक तो नहीं, 154 तक पहुँच जाएगा ये जनरल में, और भी नीचे गिरेगा। 164 तो लास्ट वही हो रहा है ना। और नीचे आएगा भैया। और उसके बाद एससी में ये 52 हो रहा है, 52 से भी यहाँ पे एक ये 83 वाला शायद छोड़ दे, 52 वाला ले ले, तो एससी में ये करीबन इससे नीचे आके ये 45 तक पहुँचेगा। ओबीसी एनसीएल की अगर हम बात करें, तो ओबीसी एनसीएल 155 यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये ओबीसी एनसीएल क्योंकि सीटें इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर, 3-4 नंबर नीचे मान लो, 145 तक, 10 नंबर में मैक्सिमम बोल रहा हूँ, पर 145 तक ये हद मार के आएगा। फिर मैं बात कर लूँ, ये तो बात हो गई फिजिक्स की। अब मैं इसके आसपास वालों की पहले बात कर लेता हूँ, मैं केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ पहले। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, या इसके ऊपर कौन सा है, मॉलिकुलर मेडिसिन के कर लेते हैं, बच्चे नाराज हो जाते हैं मॉलिकुलर मेडिसिन वाले। मॉलिकुलर मेडिसिन की जो सीट्स हैं कितनी है एक बार मैं देख लेता हूँ, मॉलिकुलर मेडिसिन की सीट 30 सीट्स हैं। 30 में से जनरल की करीबन होगी 12 के आसपास सीट, तो 12 में से कितनी पहले बुक हुई है वो देख लेते हैं। मॉलिकुलर मेडिसिन में 12 में से लगभग खाली है सारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगभग सारी खाली है। तो इतने हाई नंबर है अभी भी, यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा अभी भी। अगर यहाँ सीट रिजर्व होगी तो मॉलिकुलर मेडिसिन में 4 से 5 सीट रिजर्व होगी, बाकी खाली रहेगी। 1.3 में ये नीचे गिरेगा, कम से कम 10 से 12 नंबर और नीचे आएगा। 10 से 12 नंबर का मतलब है ये 184 के आसपास पहुँचेगा। अगर ओबीसी की मैं बात कर लूँ, तो ओबीसी में अभी ये शो कर रहा है, ओबीसी में लास्ट ये शो कर रहा है 154। ओबीसी की सीट भी नहीं फिल हुई है, तो ये 150 शो कर रहा है। अगर 2 से 3 भी बुक हो जाता है तो 144-145 के पास आएगा। ईडब्ल्यूएस में जरूर 1-2 सीट गई है, तो ईडब्ल्यूएस में नीचे जाएगा भी तो 180 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ईडब्ल्यूएस में। एसटी के अंदर 123-92 है, एसटी के अंदर ज़्यादा चांस मेरे को नहीं लगते कि इसमें सीटें बचेंगी, फिर भी एक सीट मेरे को दिख रही है अगर बच सकती है तो वो नीचे जाएगी 90 से नीचे, मतलब वो 70-80 पे जाके रुकेगी। एससी के अंदर मेरे को दिख रहा है कि दोनों सीटें हो सकता है खाली चली जाए, और एससी में ये 120, 130, 135 तक खाली होके आ जाएगा। फिर अगर बात करें कि माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी की सीट्स की अगर हम बात करें, तो माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर सीट्स हैं 35 में से जनरल की जो सीट होनी चाहिए वो 13-15 के आसपास होनी चाहिए। 15 के आसपास जो सीट होंगी जनरली, 15-16, उनमें से देखो पहले खाली कितनी है। एडमिशन हुए हैं यहाँ पे, बच्चों ने एडमिशन लिए हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो अब जो वेकेंट सीट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि करीबन 6 या 7 सीटों के अगेंस्ट बच्चों ने एडमिशन लिए हैं। डैम श्योर वो खाली होंगी, क्योंकि जिन्होंने भी एडमिशन लिए हैं वो हैं जिनके मार्क्स 231 से प्लस थे, वो खाली करेंगे। खाली कब करेंगे? जब उनके रिजल्ट आना चालू होंगे। कहाँ के? माइक्रोबायोलॉजी। ये यहाँ पर जो माइक्रोबायोलॉजी है वो कौन से कोड से मिलता है? SCQP 17। तो ऐसा मत सोचना ये वहाँ जाएंगे BHU, क्योंकि BHU में SCQP 03 से मिलता है। तो ये BBAU के लिए खाली कर सकते हैं, पौंडीचेरी के लिए खाली कर सकते हैं, दिल्ली में ऐसा कोई स्कोप है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये खाली कर सकते हैं JNU के लिए। तो यहाँ से अभी 3-4 सीटें और निकल सकती है, ज़्यादा नहीं निकलेंगी।
तो 219 से नीचे हो गए, 200 या 205 तक आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। ये 1.3 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद वाली लिस्ट में जरूर 200 तक आ जाएगा, 195 तक आ जाएगा। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी की मैं बात करूँ 142, 135 और 131 है एसटी में अभी। और एसटी में ये अगर नेक्स्ट राउंड में आता है 1.3 में, तो इतनी सीटें खाली नहीं रहेंगी, एक सीट कम से कम बुक होगी, और आई एम श्योर कि वो 131 वाली सीट बुक होनी चाहिए। तो उससे नीचे आएगा तो ये 120 या 125 के आसपास इतना आएगा बस, उससे इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा ये। फिर अगर हम देखें एससी में, तो एससी में बहुत हाई कट ऑफ दिखा रहा है, स्टिल ये 180 दिखा रहा है एससी में ना लास्ट कट ऑफ, तो एससी में ये 160 तक पहुंचना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में। ओबीसी में अभी भी ये 185 दिखा रहा है जो कि बहुत हाई है, तो ओबीसी में नेक्स्ट लिस्ट में ये पहुंच जाना चाहिए, करीबन 172 तक पहुंच जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में ये 196 है, तो 196 से अगली उसमें ये 194 तक ये क्लोज होगा, ईडब्ल्यूएस में एडमिशन होगा, एक एडमिशन होगा, एक सीट रहेगी, बाद में चाहे वो खाली हो जाए, 1.3 की बात हो रही है। फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ मैथमेटिक्स की, अब नाराज मत होना भाई, माइक्रोबायोलॉजी वाले और ये बॉटनी लाइफ साइंस वाले नाराज हो जाते हैं। मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं उनकी बात करें तो मैथमेटिक्स में जो सीट्स हैं कितनी है, एक बार मैं देख लेता हूँ मैथ्स की सीट ना, 35 है, तो यहाँ पर भी जनरल की जो सीट है वो करीबन 15-16 होंगी, तो कितनी बुक हुई है पहले वो देख लेते हैं, खाली कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगभग 6 सीटों के अगेंस्ट एडमिशन हो गया है। तो मान लेते हैं कि इसमें से 5 सीट अभी भी बुक हो जाती हैं, तो 4 बचेगी, तो 4 बचेगी, तो बचने का मतलब है ये नीचे आएगी करीबन 10 नंबर नीचे आ जाएगी, 10 से 12, यानी कि 1.3 में जो लास्ट कट ऑफ आएगी वो 143 या 142 के आसपास रहनी चाहिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में जो सीट्स होनी चाहिए वो 8 या 9 के आसपास होनी चाहिए, 8 तक सीट होनी चाहिए, और बची कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 सीट बची है, और ये तय है कि 149-150 वाली सीट दोनों तीनों जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1.3 में 2 सीट खाली आ सकती है, जो उनकी कट ऑफ भी उतनी हो जाएगी 145-144, जो जनरल के आसपास कट ऑफ पहुँचेगी वो भी ओबीसी की 1.3 की। और एससी में यहाँ पर 5, 1, 2, 3, 4 सीट हो रही है 114, एक या दो सीट खाली बचेगी जो 110 105 या 107 नंबर तक आएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एसटी में 68 अभी एक सीट का और आएगा मेरे हिसाब से, ये एक सीट बुक होगी, एक सीट 80 वाली शायद नीचे आएगी, और ये आनी चाहिए करीबन 68 है ना, ये आनी चाहिए 62 मार्क्स तक आनी चाहिए, 60 या 62 मार्क्स तक आनी चाहिए। ये तो मैथमेटिक्स की बात हो गई। ईडब्ल्यूएस मेरे हिसाब से इसमें खाली आई नहीं, ईडब्ल्यूएस की सीटें फिल हो गई हैं, हाँ ईडब्ल्यूएस इसमें फिल हो गया मैथमेटिक्स में। फिर हम बात कर लेते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स की, बात कर लें तो ह्यूमन जेनेटिक्स में सीट्स जो हैं वो है 30, तो 30 का मतलब जनरल की सीट है 13 के आसपास, और अनरिजर्व में रह कितनी गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीट रह गई, तो 4 या 5 सीट पे एडमिशन हुआ है, 4 या 5 पे एडमिशन हुआ है, तो इस लिस्ट में हम ये मान लें कि 5 एडमिशन और हो जाते हैं। ये सारे एडमिशन लाइफ साइंस के कोर्स हो रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, लाइफ साइंस के कोर्स से एडमिशन हो रहे हैं SCQP 017 से, तो जरूरी ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये एडमिशन ले, हो सकता है इन्होंने राजस्थान में एडमिशन फंसा रखा हो अपना, हो सकता है हरियाणा में इन्होंने कुछ और कोर्स में एडमिशन लगा रखा हो। तो 4 से 5 सीटें अगर यहाँ पे मान लो, तो नेक्स्ट लिस्ट में ये 185 या 188 के आसपास रहेगी। ओबीसी में 161 तक आया है, और ओबीसी में ये नेक्स्ट लिस्ट में ये 154 तक पहुँचेगा ओबीसी के अंदर। फिर हम बात कर लें नेक्स्ट किसकी बात करें, पहले मैं केमिस्ट्री की बात कर लूँ क्या, हाँ केमिस्ट्री कर लेता हूँ मैं पहले। केमिस्ट्री में यहाँ पर 3 कोर्स हैं, एक थियोरेटिकल, एक अप्लाइड और एक सिंपल केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात कर लूँ, तो केमिस्ट्री में नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, केमिस्ट्री में नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 35, तो जनरल की 15 सीट। एडमिशन कितने हो गए वो देख लेते हैं, और नहीं हुए जो वो देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 3 से 4 एडमिशन हुए हैं, और अभी भी अगर ये 5 या 7 एडमिशन होते हैं तो 1.3 लिस्ट में केमिस्ट्री में नीचे आ जाएगा, 1. ये आ जाएगा 132 नंबर तक आ जाएगा भाई, 132 नंबर 132 मार्क्स तक आ जाना चाहिए कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 1.3 में। ओबीसी एनसीएल एडमिशन हुए हैं केमिस्ट्री में, ओबीसी एनसीएल में अगर 3-4 एडमिशन हुए हैं तो नेक्स्ट लिस्ट में ज़्यादा सीट खाली नहीं मिलेगी ओबीसी एनसीएल में,
और ओबीसी एनसीएल जो है नेक्स्ट 140 तक रुक जाएगा, इससे ज्यादा ओबीसी एनसीएल नीचे नहीं जाएगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस 139 मेरे को यहां दिख रहा है लास्ट, जो कि नेक्स्ट लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा मेरे को 136 नंबर तक आता दिख रहा है, इससे नीचे नहीं आएगा। जनरल में जरूर नीचे गिरेगा, ये 132 तक जनरल में पहुंचेगा, इसमें इतना ज्यादा वो जो है ड्रॉप नहीं आएगा ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में। फिर अगर मैं बात करूं एससी में, एससी में 116 है, एक सीट बुक होगी, एक सीट बचेगी जो 116 के नीचे 112 नंबर तक जाके रुकेगी, एससी में ज्यादा ड्रॉप नहीं आएगा। एसटी में एक सीट के लिए ड्रॉप दिख सकता है जो कि 60 मार्क्स तक दिखेगा। तो केमिस्ट्री में 1.3 पर आते आते मोस्टली ये फिल हो जाना चाहिए, हालांकि ये बाद में जाके वापस से खाली होगा, पर केमिस्ट्री में इतना ज्यादा वैकेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी जितना हमें फिजिक्स में देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री की और भी हैं जो थियोरेटिकल और स्पेशलाइज, एक और अप्लाइड केमिस्ट्री, उनका आप देख लेना बाद में क्या कट ऑफ है उनकी, उनके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, उनमें तो एडमिशन आपका इजीली हो जाना चाहिए। बॉटनी की बात कर लेते हैं, बॉटनी में सीट्स हैं कितनी, 35, बॉटनी में सीट्स हैं 35 जिसके अगेंस्ट एडमिशन बुक हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिए बॉटनी में भाई। अगर 13 सीट है तो 7 आधी सीटें बुक हो गई है, तो माइट भी पॉसिबल है कि अगली जो लिस्ट आएगी उसमें 3 से 4 ही नाम देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको, वो भी 205 तक रहेंगे। ये बात अलग है कि ये आगे जाके ये सीट्स खाली हो जाएंगी, है ना। ये बॉटनी वाले, ये लाइफ साइंस वाले, बॉटनी भी यहाँ पर लाइफ साइंस के कोर्स से ही मिल रही है पंजाब के अंदर, बॉटनी भी लाइफ साइंस के कोर्स है और जूलॉजी भी लाइफ साइंस के कोर्स है, क्योंकि लाइफ साइंस बीएचयू में नहीं है, डीयू में इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इतनी भयंकर कट ऑफ जा रही है। बाद में ये खाली होगी जब ये बटना चालू होंगे बच्चे, पौंडीचेरी राजस्थान इधर उधर जाना ये चालू होंगे, तो ये सीट्स खाली होना चालू होंगी। तो नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी बॉटनी की उसमें ये 205 तक आना चाहिए। अगर मैं ओबीसी एनसीएल की बात करूं जो अभी 161 पर है, नेक्स्ट लिस्ट में 155 156 तक होगा। ईडब्ल्यूएस 183 और इससे भी नीचे आएगा, 183 है ईडब्ल्यूएस, इसमें ज़्यादा ड्रॉप मेरे को दिख नहीं रहा है, 180 तक का दिखेगा। एससी के अंदर ये 96 तक आना चाहिए एससी के अंदर। फिर मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करता हूं, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में नंबर जो सीट्स हैं वो हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 20 हैं, 20 सीट्स के अगेंस्ट एडमिशन, देखो जनरल के 8 या 9 सीट होंगी, 9 सीट होंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 खाली है जिनमें से मैं मान लेता हूँ कि 2 से 3 जाएंगी, 2 से 3 जाएंगी, तो अगला जो ड्रॉप आएगा वो 194 तक का एडमिशन होगा यहाँ पे, 194, ये 195 तो ऑलरेडी आ गया, तो 185 तक आएगा नेक्स्ट 1.3 में, ये 185 या उसके 184 तक आएगा। और ओबीसी एनसीएल में ये ऑलरेडी आ चुका है 159, ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट बचेगी, एक या दो भी मान लो तो वो आपको मिल जानी चाहिए 154-155 में मिल जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 149 है, नेक्स्ट जो सीट 147-148 वाले को मिल जाएगी। एसटी के अंदर 79 है और 84 है, तो इसमें एक मान लो आप, एक का मान लोगे तो कितना 72 या 68 तक का ये रुकेगा कहीं जाके। एससी में भी बहुत ज़्यादा है, तो एससी में ये दोनों ही खाली जाना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है। फिर अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में नंबर ऑफ सीट्स जो हैं बायोकेमिस्ट्री में, एक बार बायोकेमिस्ट्री की सीट्स कहाँ हैं भाई, बायोकेमिस्ट्री की सीट्स मैंने मेंशन नहीं की क्या, बायोकेमिस्ट्री में 35 सीट्स ही होंगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बायोकेमिस्ट्री में भी अभी भी कट ऑफ बहुत हाई है, तो एडमिशन तो हुए हैं यार बायोकेमिस्ट्री में, नहीं हुए, खाली पड़ी है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री खाली है अभी और ये भी खाली जाएगी, तो बायोकेमिस्ट्री अभी और नीचे उतरेगी, ये 190 तक आएगी नेक्स्ट लिस्ट में, आप देख लेना इसको। ओबीसी में, ओबीसी एनसीएल में 150 तक है, इससे भी नीचे जाएगी, ओबीसी एनसीएल में नेक्स्ट लिस्ट में ये आपको 136 तक मिलेगी बायोकेमिस्ट्री, आराम से मिल जाएगी 136। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में ये आपको नेक्स्ट लिस्ट में बहुत ज़्यादा ड्रॉप इसमें देखने को नहीं मिलेगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 175 तक का ड्रॉप मिलेगा, या 178 पर भी कहीं क्लोज हो रही होगी, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं आएगा बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो सारी हो गई सबकी बात, मैथ वगैरह सबकी होगी, मैथ की कर ली थी क्या, मैथ्स का एक बार मैं देख लेता हूँ, बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता ही दिया लगभग सारा। फिजिक्स में अभी वैकेंट सीटें काफ़ी चलेंगी इसमें, फिजिक्स वालों के लिए अभी गुड न्यूज़ है ये। ज्योग्राफी का मैं बता देता हूँ एक बार, ज्योग्राफी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 40 हैं,
और ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा सीट्स खाली रहने वाली है नहीं, यहाँ पर भी तीन ही आई है, तो अगली लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 142 तक जाएगा। और ओबीसी एनसीएल में ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट लिस्ट में ये 105 तक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। जियोलॉजी में अभी काफ़ी ऑप्शन है, यहाँ पर जियोलॉजी में खाली पड़ा है, तो जियोलॉजी में अभी ये 191 तक आ गया है, नेक्स्ट लिस्ट में ये और नीचे आएगा, करीबन 15 नंबर नीचे आ जाएगा नेक्स्ट लिस्ट में जियोलॉजी में। तो 15 नंबर नीचे का मतलब हो गया ये 175 नंबर तक पहुंच जाएगा नेक्स्ट लिस्ट में जियोलॉजी में। फिर हम बात कर लें मैथ्स की, मैंने बता दी थी क्या, मैथ्स में ढूंढ रहा था यार, मैथ्स का मैं देख लेता हूँ। हाँ ये रहा, बता दिया ना मैथ्स का। हाँ ठीक है, तो भाई इस वीडियो में हमने बात कर ली फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स, बॉटनी और जूलॉजी रह गया क्या? जूलॉजी देख लेते हैं एक बार, जूलॉजी रह गया शायद। जूलॉजी रह गया, एक बार जूलॉजी की और बात कर लेते हैं। हाँ ये जूलॉजी रह गया ना, तो जूलॉजी में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 40 है, 40 का मतलब जो सीट्स होंगी जनरल की वो 16 या 17 के आसपास हैं, जिनमें से अभी जो वैकेंट है वो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जितने भी हाई एडमिशन हुए हैं सारे खाली होंगे, वो मान लो ये खाली होंगे क्योंकि वो जेएनयू वाले बच्चे हैं, वो खाली होंगे तो ये नेक्स्ट लिस्ट जो आएगी उसमें ये 20 नंबर कम से कम कम मानो 20 नंबर कम होने का मतलब है 232 अभी दिखा रहा है, तो ये 212, 210 या 208 से के आसपास भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात वो, और जाएगा ही जाएगा ही। ओबीसी एनसीएल में सीट्स बुक हुई है, ओबीसी एनसीएल में 206, 205, 204 खाली होंगी आगे जाके, जूलॉजी की सीट्स खाली होंगी तय है, एडमिशन इनके विड्रॉ होंगे। 204 अभी दिखा रहा है, नेक्स्ट लिस्ट में ये 196 तक आपको दिखाना चाहिए, ओबीसी एनसीएल में एडमिशन हुए हैं। ईडब्ल्यूएस में आपको 196 दिखा रहा है, नेक्स्ट लिस्ट में आपको 194 तक दिखाना चाहिए, और जूलॉजी में ये तय है जो जनरल में एडमिशन हुए हैं वो सारे खाली होंगे। एसटी में 142 दिखा रहा है दोनों के, 142 में नेक्स्ट में ये ज़्यादा से ज़्यादा 135-134 आना चाहिए या उससे भी कम आएगा। एससी में अभी भी ज़्यादा चल रहा है 165, नेक्स्ट लिस्ट में एससी के अंदर ये करीबन 145 तक पहुंच जाना चाहिए या उससे भी नीचे पॉसिबल है। तो ये तो हो गई इस लिस्ट की बात, अब इस लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम है उनको फ़ी कैसे पे करनी है, फ़ी पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका समर्थ पोर्टल है ना, जिस पोर्टल से आपने अपनी आईडी बनाई थी, लॉगिन वगैरह जो भी किया था, उस पोर्टल पर जाकर आपको अपना एडमिशन के लिए फ़ी पे करना है। अब ये जो फ़ी है इसको कब तक आपको पे करना है, इसको पे करना है 7 अगस्त 11 बजे तक, 7 अगस्त यानी कि आज कितनी तारीख है, आज है 4 तारीख, तो 5, 6, 7 तारीख तक अपनी फ़ीस आपको सबमिट कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो जितने भी कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया है, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट में ले लिया था, जिन्हों चाहे वो सेकंड लिस्ट में ले लिया था, उन सभी कैंडिडेट्स को 16 अगस्त को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एडमिशन कैंसिल वो होगा तो आपको फ़ीस रिफंड नहीं करेंगे, एक तो आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हो तब फी रिफंड हो जाएगी, आप डीवी नहीं करा रहे जाके और उनको ये भी नहीं कह रहे कि हम एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं तो वो फीस वापस नहीं करेंगे। तो अगर डीवी नहीं कराना है तो सीट पहले ही कैंसिल कर देना। हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड है, और हॉस्टल अगर आपको चाहिए तो आप पहले फीस जमा कराएंगे, उसके बाद आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और जो एनालिसिस मैंने किया है ये आपके बहुत अच्छे से भेजे में घुस गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साउथ बिहार की भी लिस्ट रिलीज हुई थी, उसका भी मैंने कट ऑफ एनालिसिस कर दिया है, तो वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो।